भी आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने अभी नहा लिया है देखिए, और अब मैं चल रही हूँ भगवान जी को नहलाने। ये देखिए, पहले इनको नहलाऊंगी उसके बाद मंदिर पे सेट करूंगी। वैसे मैं 9 दिन का व्रत नहीं रहती हूँ, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें करती हूँ घर में। देखिए मैं सारे भगवान को नहला लेती हूँ पहले, क्योंकि जब हम नहाते हैं तो भगवान को भी नहलाना ज़रूरी है। मेरी छोटी सी मंदिर है ना, इसलिए मैंने ज़्यादा चलिए मैं भगवान को नहलाती हूँ, आप लोग बने रहिए वीडियो में। देखिए मैंने सारे भगवान को नहला लिया है और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए सारे सामान मैं लेके आई थी मार्केट से, देखिए चढ़ाने के लिए चल रही हूँ मैं तैयारी करने। मंदिर पे सब सजा देती हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी। देखिए मैं पैरों में कलर लगा रही हूँ, पूजा करने के टाइम ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन कोई त्यौहार पड़ता है या कुछ होता है तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। आप लोग भी लगाया करिए, हर एक सुहागन को ये सब लगाना चाहिए। ये देखिए मैंने दोनों पैरों में लगा लिया है, अब चल रहे हैं पूजा करने। ये देखिए मैंने यहाँ पे भगवान को आसन पे बिठा दिया था, और एक एक करके मैं भगवान जी को सारी चीज़ें चढ़ा रही थी, अच्छे से सेट कर रही थी, क्योंकि मंदिर छोटी थी ना तो उसको अच्छे से सेट करना था। मीठा भी देखिए, ये मीठा मैंने अपने घर पे ही बनाया था, और सारी चीज़ें चूड़ी बिंदी नारियल मेहंदी फूल सारी चीज़ें मतलब चढ़ा रहे थे माता को, फूल भी। और देखिए उधर मेरी जोत भी जल रही थी, धीरे धीरे जल रही थी, क्योंकि हाथ बार बार जा रहा था ना, इसलिए उसमें हवा लग रही थी तो थोड़ा धीमे हो गया था। मैंने भगवान को सारी चीज़ें चढ़ा दी थी, देखिए अच्छे से मैंने मंदिर को डेकोरेट कर दिया था, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें भगवान को चढ़ा रहे थे। देखते रहिए आप लोग, और बताना लास्ट में कमेंट करके कि मैंने मंदिर कैसे सजाया, आप लोग को अच्छा लगा या नहीं। मैं एक एक करके सारी चीज़ें सेट कर रही थी, वीडियो लंबी हो रही थी ना, इसलिए मैंने उसको थोड़ा फास्ट कर दिया था। ये देखिए मैंने फ्रूट भी, मेरी दिया बुझ गई थी तो मैं इसको फिर से जला रही थी, क्योंकि हाथ लग गया था मेरा तो फिर बुझ गई थी वो, इसलिए मैं उसको फिर से जला रही थी। देखते रहिए आप लोग मैंने क्या क्या माता जी को चढ़ाया। ये देखिए, और मैं ना धूपबत्ती भी लेके आई थी जलाने के लिए, और ये एक ऐसे यहाँ पे मिलता है कटोरी टाइप का बना रहता है, उसमें गूगल लोबान और मतलब कई चीज़ें उसमें मिक्स रहती हैं, वो बना बनाया ही मिलता है, पूरा डिब्बा 12 पीस रहते हैं, वो भी लेके आई थी मैं। देखते रहिए अभी मैं जलाऊंगी ना तो दिखेगा उसमें। देखिए मैं जला के रखा, मीठा भी मैंने घर पे ही बनाया था। ये देखिए मैं जला रही थी उसको, बहुत अच्छी मतलब खुशबू आती है जलाने के लिए। देखिए कैसे इसमें सारी चीज़ें अंदर रखी होती हैं। धूपबत्ती कर रही थी सारी चीज़ें माता को चढ़ा के। ये देखिए फिर मैंने पूजा कल सारा चढ़ा के मैं आरती कर रही थी। चलिए मैं आरती करती हूँ, वीडियो लास्ट तक देखना। जोर से बोलो जय माता की। चलिए पूजा करिए, दुर्गे मैया सबकी कृपा बनाए रखें। चलिए अब हम चलते हैं कुछ नाश्ता बनाने। बाय बाय गाइस।